हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर। आपके पास विजुअल बेसिक डॉट नेट में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, उसमें एक सिंपल एंड है जिसको लॉजिकल एंड कहा जाता है। ये दिए गए दो एक्सप्रेशन के बीच में लगता है और तभी और सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों एक्सप्रेशन सही है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पहला एक्सप्रेशन इसको गलत मिलता है तो भी यह दूसरे एक्सप्रेशन को चेक करता है और समय बर्बाद करता है, ठीक है। जबकि अगर आप एंड के ऐसा ही काम करने वाला एक एंड ऑल्सो है जिसको कि शॉर्ट सर्किट एंड कहा जाता है, इन दोनों में यह डिफरेंस होता है ना, यह भी तभी ट्रू रिटर्न करता है लाइक एंड जब दोनों कंडीशन सही हो, दोनों एक्सप्रेशन सही हो। लेकिन ये सेकेंड एक्सप्रेशन को सिर्फ तभी इवेल्युएट करता है, चेक करता है जब पहला एक्सप्रेशन इसको सही मिलता है। तो ये डिफरेंसेस भी हम लोगों को जानना होगा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग विजुअल बेसिक डॉट नेट के स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी एक विंडो प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है और एक फॉर्म आपके सामने है। अभी देखिए मैंने एक बटन प्लेस किया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसके क्लिक इवेंट में मैं कोड लिखूं, तो यहां पे डबल क्लिक मैं करता हूं ताकि इसका क्लिक इवेंट आपके सामने आ जाए। अब यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, सपोज एक्स एज इंटीजर, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एक्स नाम का, सपोज इसमें हमने रखा 100, ओके। सिमिलरली y एज इंटीजर हम लोगों ने एक डिक्लेयर किया वेरिएबल और इसमें सपोज हमने रख दिया 400। अब मैं यहां मैसेज बॉक्स डॉट शो करता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब यहां पे मैं लिखता हूं, मैं चेक करता हूं कि क्या x का वैल्यू 100 की इक्वल है एंड y का वैल्यू 400 की इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहां पे अभी एंड क्या करेगा ना, ये चेक करेगा पहले लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को कि क्या एक्स का वैल्यू 100 है, तो बिल्कुल है जी। उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या वाई का वैल्यू 400 है, तो हाँ ये भी है, तो इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज कि पहला कंडीशन मैं गलत डाल देता हूं, मैंने चेक किया कि क्या एक्स का वैल्यू 200 है, नहीं बिल्कुल नहीं है 200, एक्स का वैल्यू तो 100 है, तो पहला कंडीशन तो यहां पे गलत है। लेकिन उसके बावजूद ये जाएगा जाके सेकेंड एक्सप्रेशन को चेक करेगा कि क्या वाई का वैल्यू 400 है, हालांकि 400 तो है लेकिन उसके बावजूद इसका रिजल्ट तो फॉल्स ही आना है ना, क्योंकि पहला कंडीशन जो है वो गलत है। तो ये जो है ना, ये लॉजिकल एंड के साथ खराबी है एक तरह से, ठीक है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट एंड आया। अभी इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, देखिएगा ध्यान से, एंड के जगह अगर मैं एंड ऑल्सो यूज करूं तो देखिए दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है एंड ऑल्सो में क्या होगा कि अगर ये पहला एक्सप्रेशन सही है तब तो चलो फिर कोई बात नहीं, दूसरा एक्सप्रेशन तो चेक होगा ही होगा। लेकिन यहां पे फर्क हो जाएगा, जहां एंड पहला एक्सप्रेशन गलत होने के बावजूद दूसरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहा था, एंड ऑल्सो जो है ना वो दूसरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं करेगा, यहां पे फॉल्स आ जाएगा। आप इसको एग्जीक्यूट करा के देख लो, आपका आउटपुट जो है ना वो जो मैंने यहां पे लिखा कमेंट में ट्रू फॉल्स यही आएगा। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है लॉजिकल एंड और शॉर्ट सर्किट एंड में, ये क्लियर हो गया। जहां एक तरफ लॉजिकल एंड दिए गए दोनों एक्सप्रेशन को चेक करता है, वहीं जो आपका शॉर्ट सर्किट एंड है ना, ये सेकेंड एक्सप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ तभी चेक करता है, इवेल्युएट करता है जब पहला एक्सप्रेशन इसको सही मिलता है। देखो आउटपुट मैंने यहां पे लिखा है ट्रू फॉल्स, आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसी ढंग से अगर मैं अभी लिखूं यहां पर, मैं और लगा देता हूं, ठीक है, तो और का कहना है ना कि दोनों एक्सप्रेशन जो आपने लिखा दोनों में से अगर कोई एक सही है तो मैं ट्रू दूंगा, तो यहां तो भाई एक्स का वैल्यू भी 100 है, वाई का वैल्यू भी 400 है, ट्रू तो आएगा ही आएगा।
अभी यहां मैंने पहला एक्सप्रेशन लिखा कि क्या x का वैल्यू 200 है, तो नहीं, लेकिन चूंकि और लगाया है मैंने तो अब ये चेक किया कि क्या y का वैल्यू 400 है, तो हाँ जी बिल्कुल है, तो ये ट्रू दे देगा क्योंकि पहला एक्सप्रेशन गलत है लेकिन दूसरा एक्सप्रेशन तो सही है ना। अभी चलो पहला एक्सप्रेशन मैं सही कर देता हूं और दूसरा एक्सप्रेशन मैं गलत कर देता हूं, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रू देगा। क्यों भाई? क्योंकि और का कहना है कि दो एक्सप्रेशन जो आपने लिखा दोनों में से कोई एक भी सही होगा तो मैं ट्रू दूंगा। अब मैं क्या करता हूं फाइनली कि पहले एक्सप्रेशन को चलो मैंने गलत कर दिया और दूसरे एक्सप्रेशन को चलो मैंने उसको भी गलत कर दिया, तो अभी जो है ना ये फॉल्स दे देगा क्योंकि यहां दिया गया दोनों एक्सप्रेशन गलत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला एक्सप्रेशन जो गलत है इसके बावजूद ये चला जा रहा है दूसरे एक्सप्रेशन के पास। अभी शॉर्ट सर्किट और में क्या होता है ना कि सेकेंड एक्सप्रेशन, अगर सेकेंड एक्सप्रेशन तभी चेक होता है जब पहला एक्सप्रेशन गलत हो। यहां पे तो भाई पहला एक्सप्रेशन सही है उसके बावजूद दूसरा एक्सप्रेशन चेक हो रहा है, समझिएगा बात। और क्या करता है कि पहला एक्सप्रेशन सही होने के बाद भी ये जानते हुए भी कि आउटपुट तो मुझे ट्रू ही देना है, लेकिन ये दूसरे एक्सप्रेशन को चेक करता है। लेकिन वहीं अगर आप शॉर्ट सर्किट और लगाते हैं, इसके लिए और एल्स है, अगर आप और एल्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, जो कि बेसिक डिफरेंस है और अक्सर ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये क्या करता है कि अगर इसको पहला एक्सप्रेशन सही मिला तो भाई इसको तो पता है कि मुझे तो आउटपुट ट्रू देना है चाहे दूसरा एक्सप्रेशन गलत हो या सही हो, तो ये दूसरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता ही नहीं। ये बेसिक डिफरेंसेस हो गया आपका नॉर्मल और के साथ, मतलब कंडीशनल और के साथ, और लॉजिकल लॉजिकल और के बीच में, और आपका शॉर्ट सर्किट और के बीच में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करा के चेक कर लेते हैं कि आउटपुट यही आ रहा है कि नहीं। और इसको हम लोग बाद में, इससे आगे वाले वीडियो में फिर हम लोग इफ के साथ भी इसको यूज करके देखेंगे। देखिए अभी मैंने बटन वन पे क्लिक किया, देखो ये ट्रू आ रहा है ना यहां पे, ओके। उसके बाद देखो फॉल्स आ रहा है, उसके बाद देखो ट्रू आ रहा है, फिर देखो फॉल्स आ रहा है, फिर देखो यहां भी ट्रू आ रहा है, यहां भी ट्रू आ रहा है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है। तो बेसिक डिफरेंस यही है आपका। अब इसी ढंग से अगर मैं जो फाइनल एक बचा हुआ है नॉट का यूज करूं, ठीक है, नॉट, तो बहुत ध्यान समझिएगा, मैं यहां लिखता हूं मैसेज बॉक्स डॉट शो नॉट एक्स। अब ये नॉट एक्स क्या करेगा फाइनल आउटपुट पे आप लोग देखेंगे थोड़ा, मैसेज बॉक्स डॉट शो नॉट एक्स। अभी एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू आपका 100 है। 100 मींस यहां मेन चीज है कि जैसे कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये जानना पड़ेगा तभी ना आप पता कर पाओगे कि अगर नॉट एक्स हमने लिखा। देखो यहां पे ध्यान से समझना, ये पहले का आउटपुट तो हम लोग हटा देते हैं, सबसे फाइनल आउटपुट हम लोग देखते हैं। देखो माइनस 101 दे रहा है आपका, ये जो दिया गया वैल्यू है ना एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू को इवेल्युएट, मतलब पॉजिटिव के लिए नेगेटिव दे देता है। नॉट क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। आप ऐसा करो कि नॉट ऐसे लगा दो, देखो ये तो मैंने इंटीजर के साथ लगा दिया तो पॉजिटिव का ये नेगेटिव दे दिया। ध्यान देना यहां पे इसने क्या दिया, यहां पे इसने एक नेगेटिव वैल्यू दे दिया, कोई बात नहीं। अभी मैं क्या करता हूं कि एक्स में मैं रख देता हूं माइनस 10, ठीक है, एक्स में मैंने रख दिया माइनस 10। और अब मैं नॉट एक्स को चेक करता हूं तो क्या ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जब मेरे पास एक्स में पॉजिटिव वैल्यू था तो इसने क्या दिया था, नेगेटिव वैल्यू दिया था। तो अब हम लोग देखेंगे, देखो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, निगेटिव के केस में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है,
ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जब आप इंटीजर डेटा टाइप के साथ यूज कर रहे हो। लेकिन सपोज कि मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं dim z as बुलियन और मैंने यहां पे रख दिया ट्रू, ठीक है, मैंने यहां पे ट्रू रख दिया, बुलियन वैल्यू है, ट्रू रख दिया। अब मैं यहां पे अगर मैसेज बॉक्स डॉट शो करूं, अगर z को मैं करूंगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, लेकिन मैं यहां करता हूं नॉट z। देखो यहां पे पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आया था और जब मैंने नेगेटिव रखा तो पॉजिटिव, वो इंटीजर के साथ बिहेवियर था। यहां क्या आएगा, यहां z का वैल्यू ट्रू है तो क्या आ जाना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, है ना। और सपोज कि मैंने z में रख दिया फॉल्स, तो उस केस में क्या आना चाहिए, उस केस में इसको ट्रू आना चाहिए। इसीलिए नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है या निगेशन गेट भी कहा जाता है। अगर आप बूलियन अलजेब्रा को देखोगे तो यहां पे भी नॉट ऑपरेटर को आप चाहो तो निगेशन ऑपरेटर भी बोल सकते हो, या आप इस ढंग का जो भी बूलियन अलजेब्रा में साइनोनिम है वो आप यहां पे यूज कर सकते हो। देखो अभी इंटीजर के साथ तो मैंने दिखा दिया, अभी बूलियन के साथ मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां तक देखो, ये देखो फॉल्स दिया, जब मेरे z का वैल्यू मैंने ट्रू रखा था तो नॉट z क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, मतलब इन्वर्ट कर दे रहा है, निगेट कर दे रहा है, कंप्लीमेंट कर दे रहा है। इसीलिए सारा चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग निगेशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, कंप्लीमेंटेशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। और देखो जब मैंने यहां पर फॉल्स रखा तो ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, है ना। तो ये बेसिक बिहेवियर था डॉटनेट में लॉजिकल ऑपरेटर्स का। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो की तरह जिसमें मैंने कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताया था, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अगला वीडियो जो है उसमें हम लोग इफ के साथ इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज करके देखेंगे। आज जो मैंने बताया इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स को, और इससे पहले जो मैंने बताया था उन ऑपरेटर्स को भी मैं बताऊंगा आप लोगों को इफ के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।